दुनिया में कई ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो खुद बखुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाकयात में एक तकसीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तकसीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। मेरा नाम जाहिद हुसैन इंजम है। तो वाला साहब मेरे चौधरी शराफत हुसैन, वो मिलिट्री में थे, जंग अजीम में उन्होंने हिस्सा लिया था। म्यूजिकल ऑफ आर्ट्स में पढ़ते रहे हैं, यहाँ तो अपने ताए भी इधर म्यूजिकल स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ते रहे हैं। तो वो कैदी होकर ना अपने जापान गए थे टोक्यो, उनकी टांगें भी कट गई थी लड़ाई में, दूसरी जंग अजीम में ना उन्होंने हिस्सा लिया था बाकायदा। तो फिर उनको कैदी बना के ना वो ले गए टोक्यो में। तो वहाँ से फिर जब उन्होंने आज़ाद किया फिर वो यहाँ पाकिस्तान आए। मैं मलोट कस्बा है जेलम के करीब, वहाँ पैदा हुआ था। मेरे वालद साहब फ़ौज में मुलाजिम थे और ताया जो थे वो हेड मास्टर थे अपने गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्कूल साहिबाल के, मंटगुमरी उस वक्त कहते थे। तो मेरे दादा भी पढ़े लिखे थे। हमने एक रसाला लगवाया हुआ था, मौलवी दिल्ली से आता था। तो सारे गांव वाले ना उनसे आके ना मेरे दादा से ख़त लिखवाते थे, क्योंकि अब ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोग मिलिट्री में थे। तो सारे कोई ऐसा बंदा नहीं था जो वहाँ था, जवान को था, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं थे वहाँ। तो उसके बाद मैंने तीसरी जमात वहाँ से पास की, तो चौथी जमात में बन शहीद है, 3-4 किलोमीटर के फासले पे है। तो वहाँ जाके ना वजीफे का इम्तहान मैंने पास किया। उसके बाद मेरे वाले साहब की ट्रांसफ़र हो गई अपने मंटगुमरी साहिबाल, अब कहते हैं उसको, तो वहाँ ट्रांसफ़र हो गई। वहाँ 2 साल मैं पढ़ता हूँ, बटाला मुस्लिम हाई स्कूल है, वहाँ 2 साल 5वीं और 6वीं मैंने वहाँ पास की। उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र फिर हो गई कबीर वाला खानेवाल ज़िले में आया आज कल। तो वहाँ मैंने ना 7वीं 8वीं जमात का इम्तहान पास किया। तो फिर वाला साहब ना गुजरात आ गए ट्रांसफ़र हो गए। तो मैं जमींदार हाई स्कूल गुजरात से ना मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद फिर मेरी मुलाजमत लग गई। तो उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में रेमियार, हाँ, बावलपुर, सरगोदा, खारियाँ, काला आर्डिनेंस डिपो, वहाँ मैं मुलाजमत करता रहा। जब 9वीं जमात में पढ़ता था ना तो बदमे अदब के पीरियड में मेरी ड्यूटी लगा दी थी, उनके हफ्ते की खबरें हमें सुनाया करें आप। तो मैं अखबार में से खबरें कलेक्ट करके तुमको सुनाता था आके। तो मेरे नाना भी ना मिलिट्री में थे, कैप्टन। तो एक दिन आए, कहते हैं अपनी ज़बान में कह रहे थे, जवान क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं हफ्ते की खबरें सुनाने होती हैं अपने बदमे अदब के पीरियड में स्कूल में, तो मैं लिख रहा हूँ। कहते मुझे दिखाओ, मैंने दिखाया। कहते ये आप सही नहीं लिख रहे। वो मैं हर रोज़ लिखता था ना, अफगानिस्तान में आज ये हुआ, दूसरी तरीक को ये हुआ, तीसरी को। वो कहते नहीं, एक जगह पर लिखो अफगानिस्तान के बारे में ना, पूरा हफ्ता एक जगह पर लिखो क्या हुआ है जी। मुझे तो पता नहीं था ना ज़्यादा, फिर मैं उसी तरह लिखने लगा। फिर जब वो अपने दूसरी दफ़ा आए ना, मुझे कहते हैं दिखाओ यार। तो कहते यार ये तो बड़ी कमाल किताब बन गई है, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। तो बस मुझे फिर शौक़ चढ़ा, भी किताब मेरी छपनी चाहिए। फिर मैं हर रोज़ ना लिखता रहा। इसी तरह मैं बावलपुर गया, तो वहाँ ना रबर अखबार, रोज़नामा रबर निकलता था। तो हमारे जहाँ रहते थे ना उसके करीब ही था वो।
तो मैं रोज़ाना वहाँ जा कर ना अखबार पढ़ता। एक दिन ना वो सर जमीन पाक के ऊपर ना एक मज़मून आया, तो मैंने अपने रजिस्टर में देखा, तो मैंने कहा ये तो गलत है। तो कहते हैं आपके पास क्या सबूत है? मैंने रजिस्टर दिखाया एडिटर को, तो कहते मैं नहीं इसको मानता। मैं कहा नहीं मानते तो चले सेंट्रल लाइब्रेरी है बहावलपुर, वहाँ चलते हैं। वहाँ चले गए तो मेरी बात सही निकली। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से ना आप सर जमीन पाक के नाम से आपने ये मज़मून लिखना है। तो मैंने फिर वहाँ लिखना शुरू कर दिया सर जमीन पाक के नाम से। फिर मेरी ट्रांसफ़र वहाँ से ना लाहौर हो गई, तो मैं सारे उर्दू बाज़ार में घूमा फिरा। मैंने कहा इस मज़मून पर कोई किताब मिले, मैं देखूँ कितना आगे हूँ कितना पीछे हूँ, मेरा काम मतलब सही भी है कि नहीं है। लेकिन कोई किताब नहीं थी। वहाँ नीफरा में वज़ीर आला से पंजाब के उनके भाई चौधरी बशीर हैं, उनका मकतबा मेरी लाइब्रेरी, उन्होंने पसंद कर ली। वो मेरे कटिंग जो थी ना अखबार की कटिंग, उनका मैं किताब छाप देता हूँ। उन्होंने मालूमात पाकिस्तान के नाम से ना किताब छाप दी। उसके बाद वो सिलसिला फिर चल निकला। तो दूसरी किताब फिर ना अपने चांद पर गया ना अपने नील आर्मस्ट्रांग 69 में, तो वो कहते हैं यार मुझे ना तस्कीर कमर के नाम से ना किताब लिख कर दो। फिर अमेरिकन लाइब्रेरी में जाता था रोज़ाना, वहाँ से ना आती स्लिप आती थी मैं अपना वाशिंगटन से रोज़ाना उनके पास। वो आफ्ताब साहब थे वहाँ हेड से, उनको मैंने कहा मैंने ये किताब लिख लिया मुझे भी कुछ दिया करें आप, तो वो मुझे भी वो स्लिप दे देते थे। तो जाकर घर ट्रांसलेशन करते थे करके, तो फिर मैं वो लिखता रहा। तो जब मुकम्मल होगी फिर वो किताब छप गई। फिर मैं गया कराची, तो वहाँ जहाँ रिहायश थी ना उसके नीचे ट्रैवल एजेंसियों की हैं दुकानें थी, तो मैं एक ट्रैवल एजेंसी में गया। तो मुझे बहुत सारे शहरों के ना बाहर के न्यूयॉर्क लंदन इस तरह मतलब ब्राजबेल सारे उनके बड़े बड़े शहरों के ना पम्फलेट छाए हुए थे अंग्रेज़ी में। तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं फ्री मिलते हैं आप ले जाएँ जितने मिल जाने। मैं वहाँ से लेके आया तो मेरी लाइब्रेरी को दिखाए, तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़े अच्छे 100 बड़े शहर बना दें हमें। फिर मैंने उनका ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन करके मैंने 100 बड़े शहर उनको किताब बना दी। इसी तरह काम चलता रहा। फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई अपने वापडा हाउस में, मुलाजमत वापडा में थी। वहाँ अमेरिकन कंपनी आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो वहाँ ना 2 घंटे का काम होता, 7:30 बजे 1:30 बजे ड्यूटी थी, तो काम 2 घंटे करना आपने, करके बेशक आप घर चले जाएं। वो डिपॉजिटर के पास ना जाके ना अपना काम जमा कराना, आपने रसीद लेके ना अपनी मेज़ पे रखनी है बस। तो फिर बेशक आप जहाँ मर्जी चले जाएं या वहीं सो जाएं, उन्होंने कुछ नहीं कहना। एक दिन मैं फारग बैठा हुआ था, तो मुझे कहता है व्हाई यू आर सिटिंग आइडल। मैंने कहा आई हैव नो ऑफिशियल वर्क। वो कहता है इफ़ यू हैव नो ऑफिशियल वर्क डू योर ओन वर्क, डोंट बी सिट आइडल, सिटिंग आइडल इज ए सैटनिक वर्क, यानी शैतानी काम है। मैंने कहा ठीक है। मुझे उन दिनों ना अंग्रेज़ी में जनरल नॉलेज किताब मिली हुई थी लिखने के लिए, तो मैं ना वहाँ सारे किताबें वहाँ लेके आ गया। तो मुझे कहता है व्हाट यू आर डूइंग, मैं कहा आई एम कंपाइलिंग एन इंसाइक्लोपीडिया। वट काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया यू आर कंपाइलिंग, मैंने कहा जनरल इंसाइक्लोपीडिया आई एम कंपाइलिंग। तो वो कहता है विच वर्क यू डू गिव इट टू मी एट ऑफ टाइम, यानी छुट्टी के वक्त मुझे ना जो तुम लिखते हो ना मुझे दे दिया करो। वो घर ले जाता था, उसको चेक करता था, कोई गलती होती वो निकालता था। सुबह आकर कहता है मैंने तो सारी दुनिया घूमी हुई है, आपने ये बिल्डिंग जो लिखी है ना वहाँ है ही नहीं, मैंने तो किताबों से देख के लिखी थी ना, तो मैंने उसके डिलीट कर दिया। इस तरह वो ना मुझे इजाज़त मिल गई वहाँ, वो कहते हैं यहाँ काम किया करो अपने किताबें यही लिखा करो। वो 6 साल के बाद फिर वो कंपनी चली गई, तो हम फिर वापड़ा में ही आ गए। अदबी प्रोग्रामों में भी जाते रहे हैं, टीवी को पुराने तारक जी करते नीलाम घर, तो हर हफ्ते ना मेरे से ना वो सवाल लेते थे, 10 सवाल हर हफ्ते मैं लिख कर देते थे। तो अब्बास नजमी साहब थे वो पंजाबी का प्रोग्राम करते थे, उनको भी सवाल लिख के देता। एक वो दिलदार परवेज भट्टी थे उनको भी लिखा देता था। इस तरह मतलब पंजाबी के भी, पंजाबी की 7वीं जमात में मेरा एक मजमून भी है चंद दिशा है, उसी वाले से तस्वीर कमर ना बोर्ड ने मुझे कहा कि हमें लिख कर दें, तो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की किताब छपी हुई है उसमें वो मेरा मजमून है चंद दिशा है।
तो इस तरह मतलब ये काम करता रहा। जब हम गुजरात आए ना तो वहाँ लड़के ना नारे लगाते थे, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें पता नहीं था कि हिंदुस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है। सही बात है, बिल्कुल वहाँ उस वक्त नहीं पता था, लेकिन हम नारे ज़रूर लगाते थे। बस वो दिमाग पढ़ते थे ना जब, तो वो पढ़ाते थे स्कूल में, तो वो बताते थे कि पाकिस्तान बन रहा है, तो वहाँ से हमें पता चला सारा। मैं जब पाकिस्तान बना था ना तो मैं गुजरात में था, कत्लो गारत काफ़ी हुई थी गुजरात में ना, काफ़ी कत्लो गारत हुई थी। तो वो चले गए, वो इंडिया चले गए सारे, तो वहाँ से भी लोग आए यहाँ अपने गुजरात में, उनके रिलेटिव वगैरह जो पहले रहते थे उनके पास है, कुछ गांव में चले गए। बाद वो कहते कि बड़ा जुल्म सितम करते थे, गाय को ज़िबा नहीं करने देते थे, उसको गौ माता कहते थे, देवता मानते थे उसको, ज़िबानी करने मारते थे, कत्ल कर देते थे, इस हद तक वो जाते थे। गाड़ियाँ आती थी वहाँ से तो रास्ते में वो कत्ल भी कर देते थे, सिख जो थे ना रास्ते में अपने अमृतसर वगैरह में, वहाँ वो गाड़ियाँ आकर जो रुकती थी स्टॉप पर स्टेशन पे, तो वो कत्ल भी करते थे लोगों को। बहुत मुश्किल से लोग ना बेचारे बच के आए, इन्हें काफ़ी लोग मतलब कत्ल हुए। जो लोग वहाँ से आए थे ना उनके रिलेटिव भी गुजरात में ही थे, तो उन्होंने भी उनकी मदद की, फिर गवर्नमेंट ने कुछ मदद की, फिर इस तरह एड भी आती थी बाहर के मुल्कों से, तो फिर आबाद हो गए वो सारे। जोश जज्बा था कि हमें अपना अलग मुल्क मिल गया है, हम आज़ाद हो गए हैं, हाँ जी हम मतलब हर किसी इबादत अपनी आज़ादी से कर सकते हैं, तो हमें उनसे कोई ख़तरा नहीं रहा कोई भी। जेलम से वापस इस तरह गए थे, वहाँ से गाड़ियाँ आई थी मिलिट्री की, इंडिया की मिलिट्री गाड़ियाँ आई थी, वो उनको लेकर गए थे। हमारे गांव में कोई कतरों वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि आपस में वो भाई बहनों की तरह रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, दुख सुख में शरीक होते थे, तो इसलिए ऐसी कोई बात भी वहाँ नहीं हुई। जेल में जाकर उन्होंने मारा, उन्होंने कत्ल किया हुआ। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध आए थे दीबल के रास्ते, तो वहाँ उन्होंने सिंध फतह किया पहले, फिर उसके बाद वो फतह करते करते मुल्तान आ गए। मुल्तान तक आए तो उन्होंने फिर वापस जहाज में यूसुफ ने ना उनको वापस बुला लिया, वो चले गए। लेकिन उनका उसने सलूक इतना अच्छा था, उन्होंने ऐसी अच्छी हुकूमत की थी वहाँ कि कल लाखों की तादाद में लोग मुसलमान हो गए थे। तो उसके बाद जो सर सैयद अहमद ख़ान ने अपना नज़रिया 1867 में पेश किया बनारस में, बनारस का मुकाम था वहाँ, तो वहाँ उन्होंने कहा था हम दो कौमें यहाँ रहती हैं, पहले वो हिंदू कहते थे नहीं हम एक ही हैं, तो उन्होंने साबित किया नहीं हमारी हर चीज़ अलग अलग है, इसलिए हमें अलग बदन चाहिए, ये दो कौमी नज़रिया उन्होंने पेश किया। उसके बाद फिर वो पंडित मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के बाप थे, तो उन्होंने अपने नेहरू रिपोर्ट पेश की, उसमें यही कहा कि मखलूत इंतखाबात होने चाहिए, जुदा गाना नहीं होना चाहिए, यानी मुसलमानों की अलग हैसीयत नहीं होनी चाहिए। तो कायदे नहीं माने थे वो, उन्होंने अपने 14 नुकात दिए, उसमें भी उन्होंने यही कहा था हमारा अलहदा वतन होना चाहिए, क्योंकि हम उनसे बिल्कुल अलग हैं, और हमारे इंतखाबात भी जुदा गाने होने चाहिए। फिर वो मरकज़ की असम्बली की सीटें 30-30 उन्होंने जीत ली थी मुसलमानों ने। उसके बाद फिर वो अल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद पेश किया, तो वो कह रहे थे कि मेरी आंखें देख रही हैं कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान जो है ना उसको मैं आज़ाद देख रहा हूँ, वहाँ हमारे मुसलमान रह रहे हैं और जल्दी इंशाल्लाह ये हो जाएगा मसला हल। और दो कौमी नज़रिया उन्होंने ख्वाब अपना ना पूरा किया वहाँ। उसके बाद कायदा फिर उन्होंने अला अपने करारदाद पाकिस्तान 1940 में पेश हुई, उसमें भी ये चीज़ें पेश हुई थी कि दो कौमी नज़रिए के ऊपर ही अपना पाकिस्तान बनना चाहिए, तो उन्होंने साबित भी किया, अंग्रेज़ों को भी बताया कायदे आज़म ने और हिंदुओं को भी, फिर उनको मानना पड़ा कि वाकई ये अलग अलग कौमें हैं, तो फिर वो पाकिस्तान बन गया। कायदे आज़म की शख्सियत यह है कि वो बड़े ईमानदार आदमी थे और बात सच्ची बात करते थे, और उनको काम से बड़ा लगा था, वो कहते थे बस काम और काम, बस काम काम, वो कहते काम करो मेहनत करो। तो उनके ऊपर मैंने किताब भी लिखी हुई है, इंसाइक्लोपीडिया कायदे आज़म, इतनी मोटी किताब है।
तो क्विज बुक भी एक है कैदन पे। इस तरह काफ़ी मतलब चीज़ें उनके बारे में मैंने लिखी हुई है। मुसलमान इसी तरह होते जिस तरह इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, उसी तरह उनका यही हाल होता। उनके साथ भी यही कत्ल वगैरह होती है, जिस तरह लूटते मारते उनको, इस तरह सही रहने न देते उनको, यही हाल उनका होता। मजहबी आजादी उनको बिल्कुल ना मिलती, अपने तौर पर मतलब इबादत ना कर सकते थे वो, और अपने तो गाय को जबा नहीं कर सकते थे। इस तरह मतलब जो मजहबी रसूमात थी ना मुसलमानों की, वो अदा नहीं कर सकते थे वहाँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा जुल्म है ना कि आप उनको जिंदा न रहने दें, कत्ल वगारत करते रहें। मुसलमान बड़े खुश थे कि अब हम अपने तौर पे एक तो इबादत कर सकेंगे, दूसरा हमें अपना मुल्क मिल गया है, हम आज़ादी से यहाँ रह सकेंगे और अपना काम काज बिल्कुल आज़ादी से कर सकेंगे। बड़े अच्छे इंसान थे चौधरी जोगलाई। दूसरी बात यह है कि जब वो कोई अपनी शादी की बच्चों की तकरीब करते थे ना, तो वो सब लोगों को लाहौर से भी बुलाते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, उन्हें बेटी की शादी थी, उन्होंने 127 जो नान भाई थे ना वो लाहौर से मंगवाए थे देगे पकवाने के लिए। तो इतने लोग वहाँ ना उन्होंने शिरकत की, मैं भी वहाँ गया था। वो इंग्लिश के बारे में बताया ना आपको, इंग्लिश किताब के बारे में, तो फिर वो छप गई। तो डॉक्टर इमदाद हुसैन थे इंग्लिश के प्रोफेसर, तो इल्मी किताब खाने वालों के ना मौलवी थे हमारे सरदार मोहम्मद, उनके वो दोस्त थे डॉक्टर इमदाद हुसैन, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बड़े इंग्लिश के माहिर प्रोफेसर थे। उनको उन्होंने किताब दिखाई कि मैंने ये छापनी है किताब, आप इसको देख लें। वो कहते यार मैं क्या देखूँ इसको, आप छाप दें, ये मुझे यहाँ की किताब लगती नहीं है। तो वो अमेरिकन लेके जाता था ना, तो कई चीज़ें वो ऐड करता था अपनी तरफ से, तो जो मैंने नहीं की होती थी या मुझे जो किताबों में उस वक्त नहीं अवेलेबल थी, तो वो खुद ही ऐड कर देता था। तो कहते छाप दे जिस तरह मर्जी किताब छाप दे, फिर उन्होंने किताब छाप दी, तो वो काफ़ी बिकी फिर वो किताब। दिमाग में यही था कि कायदे आज़म के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए कि कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, कायदे आज़म ने पाकिस्तान के सबूत के लिए कितनी मुश्किल उठाई हैं। लिंकन दिन में वो जाके पढ़ते रहे हैं, वो 1893 में वो यहाँ आए, तो सीधा ना वो बम्बे चले गए थे। पहले वो किताबों में लिखा कराची गया ना, कराची नहीं गए, वो बम्बे में 3 साल उन्होंने प्रैक्टिस की, तो फिर यहाँ 96 में यहाँ पाकिस्तान कराची में आए। तो फिर यहीं इस तरह उन्होंने अपना वक्त गुजारा। तो मैंने चाहता था कि लोगों को पता चलने चाहिए कि कायदे आज़म क्या क्या करते रहे हैं सारी ज़िंदगी जो है। उन्होंने 1876 में तो पैदा हुए थे, 25 दिसंबर 1876 को। तो फिर वहाँ सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची में आए, वो कुछ अर्सा वहाँ पढ़ते रहे हैं। उसके बाद फिर वो लंदन चले गए, तो वहाँ उन्होंने ना लंदन में 4 कॉलेज थे ला के, तो उन्होंने जाके ना सब मतलब ला कॉलेजों का ना दौरा किया, देखा। एक कॉलेज पर लिखा हुआ था कि मोहम्मद द ग्रेट फ्राम होम वी टाट ला, तो उसमें दाखिला उन्होंने लिया, इस वास्ते लिया कि रूपा का नाम लिखा हुआ था उसके ऊपर। वो लिंकन दिन था, वो बोर्ड आज भी लगा हुआ है वहाँ। बस वो फिर यहाँ आ गए ना पास करके लिंकन दिन से यहाँ आ गए। तो कॉलेज में दाखिला इसलिए लिया कि उन्होंने देखा कि रूपा का नाम लिखा हुआ है, तो वो उनसे मुतासर होकर उस कॉलेज में दाखिला ले लिया। पाकिस्तान बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि मुसलमान जो है ना इंडिया के मुसलमान आज़ादी से रह सके, अपनी मजहबी आज़ादी भी बरकरार रख सके, अपने जो माशरती मतलब माशी माशरती सकाफती जो भी असूल हैं उनके मुताबिक वो ज़िंदगी को बसर कर सके, वो यही चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने कोशिश की, और इसी वास्ते उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ भी मतलब बातचीत की, और हिंदुओं के साथ भी उनको मनवाया कि तो कौमें हमारी अलग कौम से तुमसे अलग कौम है। और एक जगह तो लिखा भी है कि हमारी कब्रें अलग होती हैं, तुम तो अपने मुर्दों को जलाते हो, हम नहीं जलाते, तुम हमारा खाना नहीं खाते, हम तुम्हारा खाना नहीं खाते, हम इज्जत से उनको अपने मुर्दों को दफन करते हैं, तुम जला देते हो, बेइज्जती करते हो। इस तरह की चीज़ें थी। पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से बना है, आसानी से नहीं बना, और उसको कायम रखने के लिए ना हमें मेहनत करनी पड़ेगी जो आजकल नहीं हो रही और होनी चाहिए। और बच्चे भी ना ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं, ज़्यादा मुताले नहीं करते, उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान है क्या।
और किस तरह बुज़ुर्गों ने हासिल किया वो उनको बिल्कुल नहीं पता। तो उनको चाहिए कि अपना मुताला करें। दूसरी बात यह कि उनको दीनी बिल्कुल दीन के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ ना तो लोग देखते हैं कि जी हमें सलाम करें, हालांकि वो सलाम दुआ है, वो दुआ लेना नहीं चाहते लोग। तो इसी तरह वो लड़कों का भी यही हाल है जो पढ़ते हैं स्कूलों में कॉलेजों में, वो सलाम नहीं करते एक दूसरे को। तो उनके लिए यही है कि दीनी मुताला करें ताकि उनको पता चले कि दीन है क्या।